फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के बारे में। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं सीरियल में दर्शक अबीर मिष्टी की जोड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सीरियल में इन दोनों की केमिस्ट्री के लोग फैन होते जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सीरियल में रिया शर्मा मिष्टी का किरदार और शहीर शेख अबीर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों की केमिस्ट्री को लोग इतने दीवाने हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर इन दोनों की फोटोज ही बदल डाली है। दरअसल कुछ फोटोज में अबीर कुहू के साथ नजर आ रही हैं, तो फैंस को कुहू अबीर के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और ऐसे में उन्होंने कुहू को रिप्लेस करके मिष्टी की तस्वीर लगा दी है। तो चलिए दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। वहीं अगर शो में दुल्हन की बात करें तो कुहू तो दुल्हन बनकर काफी खुश हैं। इतना ही नहीं, कुहू अकेले तो पोज दे रही हैं, दूसरी ओर कुणाल भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी जस रहे हैं। ऐसे में अगर चुलबुली कुहू को देखें तो वो पोज पर पोज दिए जा रही हैं और साथ ही अबीर कुणाल को भी शामिल कर लिया है। देखिए कैसे कुहू कुणाल अबीर के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं। सीरियल की लेडीज गैंग की बात की जाए तो लेडीज कभी भी फोटोज कराने के मामले में पीछे नहीं रहती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो में इन दिनों कुहू कुणाल की शादी की रस्में चल रही हैं। ऐसे में सभी काफी तैयार सैयार होकर सेल्फी क्लिक किए जा रहे हैं, जिसमें लेडीज तो सबसे आगे हैं। साथ ही इन लोगों ने अबीर और कुणाल को भी अपनी इस मस्ती में शामिल कर लिया है। देखिए कैसी लग रही है शो की ये लेडीज। लेडीज गैंग शो में लेडीज गैंग आगे है तो जेंट्स कहाँ पीछे रहने वाले हैं। ये लोग भी दूल्हे राजा के साथ पोज दिए जा रहे हैं। वैसे हमारे अबीर तो कभी पीछे नहीं रहते हैं, अबीर तो अभी से घोड़ी चढ़ गए हैं। लगता है कि वो मिष्टी को लाने के लिए तैयारी में लग चुके हैं। देखिए कैसे वो सभी के साथ मस्ती भरे पिक्स किए जा रहे हैं। वहीं जाते जाते दर्शकों, आपको सीरियल की कहानी के बारे में बता दें, कुहू दुल्हन बनकर बैठ चुकी हैं और कुणाल की बारात की तैयारी भी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट ये है कि कुणाल बारात के टाइम पर घर से भाग चुका है और ये सब वो अपनी माँ के कहने पर कर रहा है। वहीं जैसे ही अबीर को पता चलता है कि कुणाल को वापस लेने के लिए निकल पड़ता है। दर्शकों, आज की हम
हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।